फलकनाज और टुनिशा से मेरा बहन का रिश्ता था, भले खून का रिश्ता नहीं था लेकिन एक एहसास था, एक बॉन्ड था जो हमने बहुत अच्छे से शेयर किया है। मैं उससे मिली थी इनके शूट पे जब हम लोग लद्दाख गए थे, मैं पहली बार उससे मिली थी एयरपोर्ट पे, तब से लेके अब तक मेरा उससे बड़ी बहन का रिश्ता था। उसको तकलीफ में हम नहीं देख सकते थे किसी भी कीमत पर, उसमें चाहे शिजान हो, चाहे मैं हूं या मेरी मदर हूं। हिजाब, दरगाह, ये कहीं से कहीं तक उठता ही नहीं सवाल, क्योंकि हम जो भी अपना रिलीजन मानते हैं वो हमारी पर्सनल चीज है, हमारी पर्सनल स्पेस में होता है। हम उसके लिए यहाँ पे किसी को फोर्स नहीं करते, ना हमारा राइट है किसी को फोर्स करना, ना ही हम पब्लिक में दिखाते हैं सबके सामने। आप लोग हमें सालों से जानते हैं, हमारी पूरी लाइफ आप लोगों के सामने खुली किताब की तरह है। अब बात आती है कि उसको हमने फोर्स किया या उसका वो जो हिजाब लेने वाला फोटो जो सर्कुलेट हो रहा है वो शो का फोटो है, शो की शूट का फोटो है। उर्दू सिखाना, हम जब मायथो करते हैं, इसने मायथो किया है, मैंने मायथो किया है, हम भी तो हिंदी बोलते ही है ना, शुद्ध हिंदी। हम जब 12-13 घंटे एक कैरेक्टर में शो में रहते हैं, एक आउटफिट में रहते हैं, हम 25-30 दिन हम शूट करते हैं, तो वो बहुत नेचुरली हो जाता है कि हम वो लैंग्वेज बोलने लग जाते हैं। और किसी लैंग्वेज का रिलीजन से क्या लेना देना है, हम इंडिया में रहते हैं, इतनी सारी भाषाएं हैं, तो लैंग्वेज बोलना, रिलीजन एक्सेप्ट कर लेना या कन्वर्ट हो जाना प्रूफ नहीं करता है। फर्स्टली दिस इज अ वेरी रॉन्ग अजम्पशन। और रही बात हिजाब, वो शैलेंद्र जी क्लियर कर चुके हैं, रिलीजन बहुत पर्सनल होता है और हम किसी को कभी फोर्स नहीं कर सकते हैं, ना ही करेंगे। और हम जो भी करते हैं वो हम अपनी पर्सनल लाइफ में करते हैं, हम सब चीजें सोशल मीडिया पर नहीं डालते हैं। करेक्ट। और आप लोग कहाँ रिलीजन पे अटके हुए हैं, यहाँ पे मेंटल हेल्थ का सवाल है। लेकिन मैं जो पिक्चर सर्कुलेट हो रही थी जिसको बहुत अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा गया है, तो मैं एक लॉजिक आपको देती हूँ। जब हम सेट पे होते हैं और कोई आउटफिट होता है, स्पेशली जब हम मायथो कर रहे होते हैं, तो हम पूरा दिन उसी गेटअप में रहते हैं क्योंकि हमें रेडी होने के लिए बहुत टाइम लगता है, कपड़ों को चेंज करके वापस से निकाले फिर शॉट में जाएं, ऐसा नहीं होता है। वो जो पिक्चर सर्कुलेट हो रही है वो ये पिक्चर है जो कि आप देख सकते हो, टुनिशा की प्रोफाइल से पोस्ट की गई है। ये वो पिक्चर है जो टुनिशा की प्रोफाइल से पोस्ट हुई है, और इसका ये नीचे यहाँ पे थर्ड सेप्टेम्बर लिखा है, और उसका कैप्शन भी है विशिंग यू ऑल हैप्पी गणेश चतुर्थी। और ये पिक्चर में उसने हिजाब पहना हुआ है, और ये क्योंकि उनका ऑलरेडी सीन शूट हो रहा था जिसमें, ये देखिए, ये वो एपिसोड का है जो एपिसोड टेलीकास्ट हुआ है, एपिसोड 21, 14 सितंबर, यहाँ क्लियरली लिखी है। और क्योंकि बैंड होता है और हम लोग टेलीकास्ट शूट पहले करते हैं बाद में टेलीकास्ट आता है, तो ये टेलीकास्ट डेट इधर है और ये एपिसोड का है। सो इसको जो उनके मामा बोल रहे हैं पवन शर्मा जी कि उनको हिजाब पहना दिया गया था, दिस इज द प्रूफ, ये हिजाब चैनल की तरफ से पहनाया गया है, हमारी तरफ से नहीं। सवाल पूछे मैडम? लेट मी स्पीक। जहाँ तक अब बात है वनीता शर्मा के रिलेशनशिप की फैमिली के साथ, जो उन्होंने कहा कि इन्वॉल्व नहीं किया जाता था, मैं आपको बताऊं, शिजान की बर्थडे पे वनीता शर्मा इनवाइटेड थी, हमारे पास प्रूफ है, फोटोज। 9 सितंबर मैंने लोखंडवाला में पार्टी रखी थी और वो शिजान को साथ में लेके आई है अपनी गाड़ी में बैठा के। दूसरा, वो दिवाली पे आई थी, खुद सामने से आई थी हमारे घर में। उसके अलावा अभी टुनिशा का 4 तारीख को बर्थडे है, मैं उसका बर्थडे सरप्राइज प्लान कर रही थी 3 तारीख की रात को, 23 दिसंबर को रात को उन्होंने मुझे फोन किया था कि फलक क्या प्लान है बर्थडे का, तुम क्या प्लान कर रही हो, और मैंने उनको क्लियरली बताया था आंटी
मैं बर्थडे प्लान कर रही हूँ, आप 4 तारीख को उसकी पार्टी रख रही हैं, क्योंकि उनको एक ग्रैंड लेविश पार्टी रखनी थी विद मीडिया, तो उन्होंने कहा था कि मैं 4 तारीख को कहीं बाहर पार्टी रख रही हूँ और तुम लोग उसका, फिर मैंने उनको ये कहा था कि आंटी ठीक है मैं उसका ब्रिंग इन मनाना चाहती हूँ, क्योंकि टुनिशा मीडिया नहीं चाहती थी, टुनिशा को ये सब नहीं पसंद होता था, उसको फैमिली पसंद होती थी, तो उसको मैं वो फैमिली देना चाह रही थी, वो फैमिली टाइम देना चाह रही थी 3 तारीख की रात को, और ये बात टुनिशा भी जानती थी कि आप ही कुछ सरप्राइज प्लान कर रही है, तो बात यहाँ पे इस चीज पे खत्म होती है कि उनका फैमिली में इन्वॉल्वमेंट नहीं था।